Assalamu alaikum, dear computer scientists. Hope you are doing well. So today I am here with a new topic, C++ recursion. So let's talk about today's agenda. First, we will look the introduction to the C++ recursion. Then we will take some example of recursion. Then after that, we will explain that example and we will run it in our compiler. So let's begin. So what is the introduction of recursion? Recursion is the technique of making a function call itself. This technique provides a way to break down a complicated problem into a simple problem, which are easier to solve. तो इसका मतलब है जब कोई function जो है ना खुद को call कर रहा हो तो उसको हम recursion बोलेंगे. ये ज़्यादातर हम जब complicated problem होते हैं तो उसको हम solve करने मतलब break down करने के लिए जो है ना हम ये process यूज़ करते हैं. तो इसके बाद आ जाता है इसका एग्ज़ाम्पल. तो एग्ज़ाम्पल में जिस तरह कि आप देख सकते हो कि जिस तरह हम पहले एक फंक्शन में जो है ना दो नंबरों को ऐड कर रहे थे, तो सेम एग्ज़ाम्पल हमने ली है. लेकिन आपको यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि ये तो काफ़ी ख़ासा जो है ना कॉम्प्लिकेट है जिस तरह हम सिंपल कर रहे थे. तो यहाँ पर जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि एडिंग टू नंबर टुगेदर इज़ इजी टू डू बट एडिंग अ रेंज ऑफ नंबर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड द फॉलोइंग एग्जांपल रिकर्जन इज यूज्ड टू ऐड रेंज नंबर टुगेदर बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू अ सिंपल टास्क ऑफ एडिंग टू नंबर्स. सही है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर नीचे जो है ना एक मेन फंक्शन है और ऊपर एक फंक्शन है. बस ये दो जो है ना आपने देखनी है. और यहाँ पर जो ऊपर वाले में है तीसरी लाइन पर रिटर्न के प्लस सम के माइनस वन. तो मतलब सम एक फंक्शन है और उसके अंदर दोबारा खुद को उसने कॉल की है, तो इसको हम रिकर्जन जो है ना बोलेंगे. तो इसके बाद जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने वो पूरा जो सेम कोड था वो कॉपी पेस्ट की है यहाँ से यहाँ तक. जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा सिंपल सम का फंक्शन है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ दो जो लाइन लिखी है इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आयो स्ट्रीम मैंने सी आउट और इन सारी इसके लिए जो है ऐड किए ताकि वो इनको पहचान सके. एक लाइब्रेरी है जहाँ पर जिससे मैंने ये उठा है वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के थ्रू जो है ना यहाँ पर आ जाएगा. इसके बाद हम जाएंगे सीधा एक फंक्शन जो है सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा. एक फंक्शन मैंने लिया, इसको पहले फिलहाल जो है ना मैंने ये क्लोज कर दिया. मैंने सिंपल एक फंक्शन ले लिया यहाँ तक. सही है. अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया ये, और फिर मैंने क्या किया कि इस पैरामीटर की मकदार जब तक वो कंडीशन होगा तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न ज़ीरो कर दो. सही है. अब जो है ना मैंने क्या किया, प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट हुआ होगा कहाँ से, यहाँ मेन से. तो मेन से जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसने कहा कि एक वेरिएबल है रिज़ल्ट, और उसमें जो है ना उसमें जो है ना स्टोर कर दो एक फंक्शन का रिज़ल्ट. सही है. तो सम जो है ना सम यहाँ पर जो प्रोग्राम पहले लाइन पे उसने कहा एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है. अब एक फंक्शन है वो किधर है, वो चला गया सीधा इस लाइन पे. सही है. तो यहाँ पर से जो है 10 पास हुआ के में, के में क्या आया 10 आया. सही है 10 आया. तो उसके बाद क्या हो गए कि 10 चेक हुआ कि 10 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू है. तो ये फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि रिटर्न कर दो 10 प्लस वो फंक्शन दोबारा. तो फंक्शन में क्या था सम, तो सम यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर रिटर्न जैसे ही हुआ ना जिसने कहा कि रिटर्न कर दो तो वो यहाँ पर दोबारा आ गया. सही है. तो उसने क्या किया कि 10 प्लस 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या होता है 9 होता है. तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, सिंपल लिख लेता हूँ कि 9. सही है. तो यहाँ पर जो है ना इस लाइन ने क्या किया 10 प्लस 9 और फिर रिटर्न हो गया. सही है. तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है. सही, कंडीशन ट्रू है. तो यहाँ पर क्या था 10, तो 10 प्लस अब जो है ना क्या है के की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 माइनस 1 8, तो यहाँ पर जो है ना अब 8 हो जाएगा. सही.
और इसी तरह जो ना ये रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न के बाद फिर यहाँ पर आया तो इसने कहा कि एक की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। तो फिर क्या आया, 10 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, सही। तो 8 माइनस 1 जो है ना वो 7 है, तो यहाँ पर 7 आ गया। इसी तरह जो है ना ये चलता चलता, और जब तक जो है ना, अब आखिरी बार क्या हुआ कि 7 माइनस 1, फिर 6 माइनस 1, फिर 5 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, और जैसे ही 2 माइनस 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर 1 माइनस 1 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने 0 रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, अब 10 प्लस जो है ना, इसने अब जो है ना कंट्रोल जेड मैंने किया और 10 प्लस यहाँ पर जो है ना 0 किया, तो 10 प्लस 0 जैसे ही इसने रिटर्न किया ना वापस, तो यहाँ पर आया। अब देख 10 प्लस 0, तो यहाँ पर जो है ना, अब देख k की वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फाल्स हो गई, तो ये एल्स में आएगी जो है ना, यहाँ पर इस तरह जो है ना काम होता। अब यहाँ पर जो है ना मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि इसका जो है ना सी आउटपुट क्या होगा, सी आउट क्या, प्रिंट ये क्या करेगा, तो आपके ख्याल में 10, 20, 30, 40, तो इसका जो है ना आंसर देख लेते हैं। आपके पास अगर टाइम हो तो इसको रन करने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर जो है ना वो जो रिजल्ट जो है ना रिटर्न हो रहा है, जो कि प्लस भी हो रहा है साथ साथ, कि 10 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसका आंसर जो है ना 55 बन जाता है, सही है। और उसको फिर उसने स्टोर कर दिया कि किस जगह पर, रिजल्ट के अंदर, और उस रिजल्ट को हमने सी आउट कर दिए, सही है। तो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने जो है ना 55 वो रिटर्न करा दी है।